हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज आप लोग के साथ हिंदी में बात करूँगी, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर हैं जो उनको हमारी लैंग्वेज समलपुरी लैंग्वेज में समझ नहीं आती, जो भी हम बात करते हैं उनको समझ नहीं आती। तो उन लोगों ने हमें कमेंट करके भी बताया कि आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती बट आपकी वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है हमको। तो उन सबके लिए मैं आज हिंदी में बात करूँगी आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ देखना। और एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसमें कमेंट तो कर रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आज आपके लिए मैं और एक नई सी रेसिपी लेके आई हूँ, और आज मैं आपको मिल्क शेक बना के बताऊँगी जो गाजर और एप्पल से बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप फर्स्ट ये रेसिपी देख लेना। और मैं आपको लेके जाऊंगी, हमारे घर के पास है एक टेंपल मंदिर, तो वहाँ हम शाम की आरती के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ लेके जाऊंगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप आज जल्दी जल्दी से देख लेंगे। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अगर कोई गलती भी हुई है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना करूं। और प्लीज़ वॉच कीजिएगा, प्लीज़ वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिल लूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए, मिल्क शेक बनाने के लिए मैं एप्पल और गाजर को छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ, और गाजर को थोड़ा सा उबाल दी हूँ, और एक ठो लवंग और एक ठो इलायची ली हूँ, आप लोग पाउडर भी ले सकते हैं। फिर मैं मिक्सी में गाजर और एप्पल को और इलायची लवंग को डाल दूँगी। उसके बाद मैं डालूंगी चीनी, और आप लोग टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो जिसको जितना मीठा पसंद है। फिर मैं डालूंगी दूध, और ये उबाला हुआ दूध है, मतलब गरम दूध है, गरम करके रखी थी, तो डाल दूंगी दूध और इसको मैं पीस लूंगी। और ये देखो रेडी हो गया हमारा मिल्क शेक, और इसको मैंने चॉकलेट सिरप थोड़ा सा और थोड़ा सा एप्पल रख के गार्निशिंग किया है, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत टेस्टी भी था, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये हम रेडी हो गए हैं शाम की आरती के लिए जाने के लिए मंदिर, और मंदिर हमारे घर के बहुत नज़दीक है, सिर्फ 5 मिनट ही लगता है मंदिर जाने में। लॉकडाउन से लेके नवरात्रि तक मंदिर बंद था, मतलब अंदर नहीं जाने देते थे, बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे, और जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई है तब से अंदर जाने दे रहे हैं, और मेन गेट से नहीं जाने देते, मतलब साइड में जो छोटे छोटे गेट होते हैं उससे ही अंदर जाते हैं। और ये देखो हम गेट के पास आ गए हैं, और यहाँ पर सैनिटाइजर भी स्प्रे हो रहा है, और अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पे सारे भगवानों की मंदिर हैं, जैसे कि यहाँ पर हनुमान जी की मंदिर है, राधा कृष्ण की मंदिर है, यहाँ पर शिव जी की भी मंदिर है, शनि देव की भी मंदिर है। ये देखिए शिव जी की मंदिर है, आप भी दर्शन कर लीजिए काली माता। ये देखो ये काली मंदिर है,
और अभी तक भीड़ नहीं हुई है। जब आरती के टाइम हो जाएगा तभी बहुत सारे भीड़ हो जाते हैं और अंदर तो जाने नहीं देते, तो अंदर की वीडियो नहीं ले पाई हूँ। ये देखो काली माता, आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये है मेरी बेटी, जो बहुत दिनों के बाद, मतलब लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से आज ये आई है, मतलब बाहर निकली है घर से। तो इतने सारे भीड़ देखकर वो डर गई थी, नीचे नहीं उतर रही थी, गोदी में ही रह रही थी। और बहुत समझाने के बाद ये नीचे उतरी, फिर भी गोदी में लेने के लिए बोल रही थी हमेशा। और अभी आरती शुरू होगी, भीड़ भी बहुत हो गए हैं देखिए। और ये हम लगा रहे हैं दीप, और ये सारे दिए जलने के बाद ही आरती शुरू होगी। तो आप लोग भी देखिए और दर्शन कर लीजिए। आरती हो जाने के बाद सब आरती यहाँ पर ला के रखते हैं और सब आरती लगा के वापस चले जाते हैं। अब आरती भी ख़त्म हो गई और दर्शन भी हो गए, तो हम जा रहे हैं वापस घर। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलूँगी। बाय बाय, तब तक के लिए Take care.